खलिया टॉप 0.3, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खलिया टॉप 0.3 यही है। और वापसी के टाइम पे भी कुछ अन्य चीज़ें, खास चीज़ें मैं अगर वीडियो के थ्रू मिलेंगे तो मैं आपको कवर करके जरूर बताऊंगा। अब वापसी की तैयारी में हूँ, आप देख सकते हैं जितना लंबा ये बर्फीला क्षेत्र आप देख रहे होंगे, उस क्षेत्र में अभी मुझे वापसी करनी है। जिस ट्रैक से आया था मैं उसी ट्रैक से जाऊँगा, क्योंकि बहुत बढ़िया ट्रैक था। तो दोस्तों 3:15 का अभी समय है और आप देख रहे होंगे मेरा वापसी का समय, और ट्रैक फिर वही जहाँ से मैं चढ़ा हुआ था। और इतना बढ़िया सुंदर आप मेरा शेडो देख सकते हैं, और बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया रहा सफ़र। और यूं ही एक से एक सफरों में आपसे रूबरू होते रहते हैं और मिलाते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं ऐसे धार्मिक एडवेंचर और स्पोर्ट्स। आपको जैसे पता ही है विजुलाइजेशन है, तो विजुलाइजेशन के हिसाब से मैं अपने वीडियो को तैयार करता हूँ। स्केटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो भाई थक गया हूँ, मुझे स्केटिंग का कोई अभी शौक नहीं, कहीं किसी गड्ढे पे गिरा रहूँगा। तो दोस्तों इतना बड़ा एडवेंचर करने के बाद मस्ती नहीं की तो क्या किया, मुझे अभी वापसी में मस्ती करने का फुल मूड हुआ है, क्योंकि भाई सफर पूरा होता तो फिर मस्ती करने का मन हुआ है। आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार का मस्ती कर सकता हूँ, लेकिन आनंद आएगा मेरे को, और देख सकते हैं आप। एडवेंचर तो एडवेंचर ही होता है, एंजॉय पूरे करने चाहिए। और आपके लिए ये मेरी तरफ से बिल्कुल बुरादा वाला, और कैसा लग रहा है, बहुत बेटर ना? तो ऐसे ही नेक्स्ट टाइम और करूंगा नीचे जाके, अभी ठंडा ज्यादा हो जाएगा। हालांकि मैं दस्ताने तो लेके आया हूँ, सारा सिस्टम साथ रखा है मैंने, और अब चलता हूँ मैं। थोड़ी बहुत इंजॉय भी कर ली, बर्फ मेरे शरीर पर चिपक जाएगा तो मुझे ठंडा कर देगा। तो दोस्तों इस समय मैं 0.3 से आधा सफर तय कर चुका हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और मैंने अपना बैग नीचे, आप देख सकते हैं अभी तो यहाँ से दिखाई नहीं देगा, वहाँ पर सारा सामान रखा था, ये सिर्फ छोटा बैग ले आया। मेरा बड़ा बैग नीचे, आप यहाँ से शायद दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं ले चलता हूँ, बैग दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे छोड़ दिया मेरा सारा जितना भी सेटअप है कैमरे का और खाने पीने का, और दूसरा जो बैग है मैंने वहाँ संभाल के रखा। बर्फ में खेलना मेरे साथ ही बहुत सारे फ्रेंड होते, मैं भी इंजॉय करता। तो दोस्तों मैं बैग की बात कर रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ कैसे, क्योंकि नज़दीक में है पत्थर पर लाल कलर हरा कलर, मेरे कपड़े भी वहीं पर पड़े हुए हैं, और जाके कपड़े अपने पहनता हूँ, दस्ताने ग्लव्स पहनता हूँ पैक होके,
नीचे जाता हूँ, उसके बाद जो मंदिर दिखाया था मंदिर पर थोड़ी देर बैठता हूँ, उसके बाद सीधे निकलना है मुनचेरी के लिए। तो 0 पॉइंट यहाँ से ऊपर चढ़ना था, आप देख सकते हैं मेरे पीठ पीछे ये यहाँ, और काफ़ी समय भी लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। और तो मेरा अपना पर्सनल का बेस कैंप यहाँ था, जो खुले में सारा सामान यही था और सुरक्षित भी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो अपने सारे सामान के साथ आएंगे और बेस कैंप जरूर बनाएंगे, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है, मैंने आपको बताया था यहाँ फूटे भी गाड़ रखे। नेक्स्ट वाला पॉइंट दिखाता हूँ, कपड़े वपड़े पहनता हूँ क्योंकि हाथ में ठंड लग गई है। तो दोस्तों मेरा बेस कैंप में पहुँचना और अपनी तैयारी करना काफ़ी है, जूते देख सकते हैं मैंने कितना झाड़ लिया, अभी भी मेरे जूतों में काफ़ी बर्फ़ है, क्योंकि ये जाते समय दिक्कत करेगा। वैसे ये ट्रैकिंग के लिए जूते सक्सेसफुल नहीं होते हैं, पर क्या करें, ट्रैकिंग के लिए तो हम आए नहीं थे, ऐसे ही आए थे, लेकिन बर्फ शेड हो गया पाँव में, और जल्दी से जल्दी इसको हटाना हुआ, नहीं तो शाम तक ये ठंडे कर देंगे मेरे पाँव। और सामने पर आप देख सकते हैं मेरा बैकपैक भी तैयार हो चुका है, और मैं निकलने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी, और बहुत तेज़ी से उतर रहा हूँ, मुझे एनर्जी अभी काफ़ी बची हुई है, अभी 3 बजे मैं कम से कम 2-2.5 घंटे के अंदर नीचे उतर जाऊँगा। तो दोस्तों सफ़र हो गया पूरा और लास्ट बेस कैंप नीचे उतर चुका हूँ मैं, और लास्ट पॉइंट का है, तो मैं आप लोगों को यहाँ से एक दृश्य दिखाना चाहता था, तो उतरते हुए आप देख सकते हैं, और अच्छा लगता है जब कोई सफ़र सफलतापूर्वक सिद्ध हो जाता है। आप लोगों का धन्यवाद।
कहना चाहता हूँ कि मेरा बेस कैंप नज़दीक है और बहुत खुशी होती है जब आप एडवेंचर को करके अपने बेस कैंप को सकुशल लौट के आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और कई पर्यटक आए हुए हैं, अभी जाके मैं मिलता हूँ और बताता हूँ उनको एडवेंचर के बारे में। तो दोस्तों, टेक्निकली प्रॉब्लम तो आती है, कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम है, बैटरी भी कम है और ठंडी हो गई है, लगातार कैमरा चल रहा है तो